पल्लवी त्यागी ने चौरासी में ग्रामीणों को नशीले पदार्थों से होने वाले नुकसान और उत्तराखंड पुलिस के बारे में समझाया। शनिवार को सीओ त्यागी ने चौरासी जबरदस्तपुर में ग्रामीणों के साथ बैठक की और उन्होंने उत्तराखंड पुलिस ऐप और गोरा शक्ति ऐप्स के बारे में जानकारी दी और बताया कि गोरा शक्ति ऐप्स की मदद से महिलाएं घर बैठे ही पुलिस से शिकायत कर सकती हैं। साथ ही कहा है कि कोई भी नागरिक गलत कार्य में लिप्त लोगों की शिकायत इस ऐप्स के जरिए पुलिस से कर सकता है। पर भी करना चाहेगा, कहीं और परमिट रिन्यूअल कराना चाहेगा तो वहाँ शो करेगा जहाँ बेचने वाला है या घर का। चौपाल कार्यक्रम है जो एसएसपी हरिद्वार महोदय के द्वारा शुरू किया जा चुका है अभियान। इसके पहले पिछले सप्ताह भी चौपाल लगाई गई थी कई गांव में। आज भी गंगनहर कोतवाली में भी सिविल लाइंस क्लियर, सभी जगह जो है चौपाल का आयोजन किया गया है उसी क्रम में, और ये आगे भी जारी रहेगा। ये चौपाल बेसिकली जो मुख्यमंत्री साहब का नशा मुक्ति अभियान है उसको हमारे कप्तान साहब ने टेकअप किया है, उसी को देखते हुए कि गाँव में हम जाके डोर टू डोर जाके प्रचार प्रसार करें कि ये नशा जो है कितनी बुरी लत है, इससे जो हमारी जनरेशन्स हैं वो ख़राब हो रही हैं, तो इसके लिए क्या हम कुछ कर सकते हैं उनके सहयोग से नशा मुक्त बनाने के लिए अपने प्रदेश को, अपने गाँव को।